भाजपा ने बुधवार को लोकसभा उम्मीदवारों की सातवीं सूची जारी की है। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को मौका दिया है। नवनीत राणा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अमरावती से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जीत दर्ज की थी। उन्होंने शिवसेना के नेता आनंदराव अड़सुल को पराजित किया था। अड़सुल फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में है। इसी कारण अब महायुति में विरोध चल रहा है। नाम की घोषणा होते ही अमरावती में जल्लोष मनाया गया। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं के साथ नवनीत राणा और विधायक रवि राणा नागपुर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए के निवास पर पहुंचे और पक्ष प्रवेश किया। मला वाटते स्वाभिमान पक्षाचे जे इंडिपेंडेंट आमदार आहे ते सुद्धा 2014 पासून देवेंद्रजी सोबत आहे आणि मी 2019 पासून जेव्हापासून निवडून गेली आहे मोदीजी सोबतच होती आणि एनडीएचे घटक म्हणून जेव्हा जेव्हा मी प्रश्न उचलले जेव्हा जेव्हा मी आवाज काढला तेव्हा तेव्हा मी समर्थनातच होती। कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहड के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।